तेनु खबर विस्तार के नाल बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम दी मुश्किलां होर भी वध सकदियां ने। जी हाँ, क्योंकि अज पंचकुला की विशेष अदालत में कदे बाबे दे ड्राइवर रहे खट्टा सिंह ने छत्रपति कतल मामले में अपनी गवाही दे दी है। इस संबंधी वेख लैंदे आ एक खास रिपोर्ट। बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम कहण नूं तां इक धार्मिक आगू, पर उस उत्ते दर्जना अजिहे इल्जाम जिसनूं सुन के कोई भी हैरान हो सकता है। बलात्कार, अपने चेलियां नूं नपुंसक बनाउणा, कई कतल, धमकियां वर्गे होर पता ही नहीं किन्ने ही इल्जाम इस हीरो बाबे उत्ते लगे हुए ने। रोहतक की सुनारिया जेल में जबर जिनाह की सज़ा भुगत रहे बाबे दियां मुसीबतां हुण भी खत्म हुंदियां दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हुण पत्रकार छत्रपति कतल मामले दियां तंदां हौली हौली खुलदियां जा रही ने। इस मामले के चश्मदीद मुख गवाह खट्टा सिंह, जो कि किसी समय बलात्कारी बाबे का ड्राइवर रहा है, उसने अज अपनी गवाही पंचकूला की विशेष अदालत में दे दी है। जो सच था वो तो किसी तरह से कोई डर आपको कोई ठीक है, कुछ गाड़ियाँ गुड़ियाँ घूम रही है, जो उनका ड्रावर डरा रहे हैं, डराते रहे, पर मेरे को कोई अन्य बात नहीं है। मौत एक भी नहीं आती है, कोई ज़्यादा बार बार नहीं आती। मैं अपना निर्दा से और सच्चाई जो है वो माननीय कोर्ट को बताऊँगा और सारा उसका सच है जो सच समझेगा। हालांकि खट्टा सिंह साल 2011 में अपनी इस गवाही तो मुकर चुके ने, पर राम रहीम नूं बलात्कार मामले में सज़ा होने उत्ते खट्टा सिंह ने दोबारा गवाही देण दी जुरत विखाई है। खट्टा सिंह की इस गवाही नाल अज छत्रपति कतल मामले में सरकारी गवाहियां खत्म हो चुकियां ने। करने का मौके का खट्टा सिंह एक अहम गवाह है, की विटनेस है। इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि खट्टा सिंह की गवाही के बाद हमें माननीय न्यायपालिका से उम्मीद है कि दोनों मामलों में सजा हो। डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यह केस आखिरी मोड़ उत्ते है। हुण इस मामले दे विच सरकारी गवाहां दा बचाव पक्ष वल्लों सवाल जवाब किए जाणगे। राम रहीम विरुद्ध मामले की अगली सुनवाई 8 मई नूं पाई गई है। छत्रपति के केस में जो छत्रपति उसके केस में आज खट्टा सिंह ने अपने बयान करवाए और 8 तारीख को बयान नोट किए जाएंगे, जो केस रंजीत सिंह का वारंट है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो आज इन्होंने सब अपनी बात बताई है, क्यों मैं डर के माहौल के कारण, क्योंकि वो आदमी इतना ताकतवर था कि जो सरकारें हैं उसके आगे मुझे जो है डर के माहौल में मैंने मुझे कुछ बोलना पड़ा और मैं उसने कोर्ट से माफ़ी भी मांगी है। अभी मैंने कोर्ट का टाइम खराब किया, तो आज मैं सच बोलने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने उसको सज़ा दी है। आज वो जो है वो सलाखों के पीछे है, तो मुझे लगा कि इंसाफ मिलेगा, तो इसलिए मैं आके अपना बयान दे रहा हूँ। तो इन्होंने सारी बातें बताई हैं, किस तरीके से जावरी ने उन लोगों को कहा कि जाके छत्रपति जिसने अखबारों में खबर छापी है आदमियों के यौन शोषण के बारे में, उसको जाके सजा दो और आदमियों को भेजा। तो इनका बड़ा एविडेंस क्रूशल था। इनके एविडेंस से जो गुरमीत राम रहीम है वो उस क्राइम से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तभी हमने ये दरख्वास्त पहले ट्रायल कोर्ट को दी, फिर हाई कोर्ट को दी। इसका एविडेंस क्रूशल इसलिए है कि गुरमीत राम रहीम ने किलर्स को भेजा, इसका एविडेंस सही वो साबित हो रहा है। तो आज ही उन्होंने सब बात अपनी बता दी है, तो हमें लगता है कि अब उसका गुरमीत राम रहीम की सज़ा होने का बहुत अच्छे चांस हो जाता है। तो और भी नहीं, और कोई बातें नहीं आई, बाकी जो डिटेल स्टेटमेंट इन्होंने दी है, अब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तो आगे बातें नहीं। कहण नूं तां साडा देश साधु भगत देश है, पर इत्थे पता ही नहीं किन्ने ही अजिहे बाबे मासूम बच्चियां नूं अपनी हवस दा शिकार बणाउंदे ने अते कानून तों बेखौफ हो के कतल करन तों भी नहीं डरदे। गुरमीत राम रहीम, आसाराम अते होर बहुत सारे बाबियां दा जे जिक्र किया जाए तो अजिहे दरिंदियां दी सूची कदे भी खत्म ना होवे। सो वेखदे आं कि छत्रपति कतल मामले विच खट्टा सिंह दी गवाही पीड़ित परिवार नूं इंसाफ दिवाउंदी है जां नहीं। पंचकूला तो सुरिंदर पाल की रिपोर्ट, सांझा टीवी लई।